नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, हंसपुर गांव में हरीश नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी मधु रहते थे। हरीश चाय की एक छोटी सी दुकान लगाता था, जिससे उनका जीवन यापन हो रहा था। हरीश स्वभाव से बहुत मददगार और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था। जब भी चाय की दुकान में उसके दो तीन बेरोजगार दोस्त और कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति आ जाता था, तो उनको हरीश बिना पैसे लिए ही चाय पिला देता था, जिससे कोई खास बचत नहीं हो पाती थी। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी मधु बोली, कोई बात नहीं, आप लोगों का भला ही तो कर रहे हैं। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। हरीश अपने दुकान में आने वाले व्यक्तियों से बात करता और उनका हाल चाल जानता, जिससे उसको उनके बारे में भी पता चल जाता था। एक दिन वहां चाय पीने आने वाले व्यक्ति को 500 रुपए की जरूरत थी, तो उसने हरीश से रुपए मांगे कि उसको अपनी बीवी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए उसको पैसों की सख्त जरूरत है, वह यह रुपए दो दिन में लौटा देगा। हरीश दूसरों की परेशानियों को समझता था, उसने उस व्यक्ति को 500 रुपए दो दिन के लिए दे दिए। दो दिन के बाद उस व्यक्ति ने वह रुपए हरीश को लौटा दिए। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति जिसको रुपए की जरूरत थी, उसको पता चला कि हरीश चाय वाले ने एक व्यक्ति को दो दिन के लिए रुपए देकर उसकी मदद की। वह व्यक्ति हरीश से बोला, मुझे रुपए की सख्त जरूरत है, इसलिए मुझे 1000 रुपए दे दो, जिसको वह तीन दिन के बाद लौटा देगा। जिस तरह आपने उस व्यक्ति की मदद की थी, आप मेरी भी मदद कर दो। पहले तो हरीश ने मना किया इतने रुपए देने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति की गुजारिश करने के बाद हरीश ने उस व्यक्ति को भी 1000 रुपए दे दिए। तीन दिन के बाद उस व्यक्ति ने हरीश को 1200 रुपए दिए। हरीश ने बोला, आपने 200 रुपए ज्यादा दिए हैं। उस व्यक्ति ने हरीश को बोला, आपने मेरी जरूरत के समय मदद की थी, जब मुझे कोई रुपए नहीं दे रहा था, यह उसके लिए है, आप इसको रख लीजिए। हरीश बहुत खुश हुआ और अपने घर पर अपनी बीवी के लिए मिठाई लेकर गया और उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। इसके बाद बहुत से लोगों को पता चल गया कि हरीश जरूरत के समय लोगों की पैसे देकर मदद करता है। हरीश अब पैसे से मदद करने के लिए कुछ रुपए चार्ज करने लगा, जिससे उसने कुछ समय में ही बहुत पैसे कमा लिए और वह अपने गाँव में प्रसिद्ध हो गया। अब हरीश ने एक चाय की अच्छी दुकान खोल ली, लेकिन उसका मुख्य काम चाय बेचने की जगह पैसे उधार में देने का ज्यादा हो गया, जिसके कारण वह अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गया। अब लोग उसको किसी भी कार्यक्रम में सम्मानित व्यक्ति के रूप में बुलाने लगे, जिससे उसका खूब नाम हो गया। जब गाँव में मुखिया के चुनाव होने लगे, तो सबने हरीश को मुखिया का चुनाव लड़ने को कहा। सबकी बात मानकर वह मुखिया का चुनाव लड़ा और लोगों की मदद और पैसे उधार देने के कारण गांव के सब लोग उसको पसंद करते थे, जिसके कारण वह चुनाव जीत गया। अब हरीश गांव का मुखिया बन चुका था, जिससे वह लोगों की और मदद कर पा रहा था। हरीश और उसकी बीवी मधु के अब अच्छे दिन आ गए थे, जिससे वह खुशी खुशी रहने लगे।